नमस्कार बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में पाठ 7 जो मैंने आपको पूरा करवा दिया है और उसकी एक्सरसाइज मैंने आपको फिल करने के लिए दी थी जो आपने कर ली होगी। आज हम व्याकरण का पाठ 8 सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन करेंगे और इसके बारे में आप जानते हैं क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रोनाउन का अर्थ होता है कि हर बार हम नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन नाम के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, आज मैं आपको यह पाठ समझा रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। सबका नाम सर्वनाम, संज्ञा का ये लेते स्थान। कहने का अर्थ क्या है के सर्वनाम जो है यानी कि जो प्रोनाउन है वह संज्ञा यानी कि नाउन का स्थान यानी जगह लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा यानी कि नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जिन्हें अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। निशा, अंबिका और अनुज पार्क में है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है, तीन बच्चे हैं, निशा, अंबिका और अनुज पार्क में है और वे फुटबॉल खेल रहे हैं। यह है दूसरा चित्र। साक्षी का जन्मदिन है, उसने कुछ दोस्तों को बुलाया है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनमें साक्षी नाम की एक लड़की है जिसका जन्मदिन है, उसने कुछ दोस्तों को बुलाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रंगीन अक्षरों से यहाँ पर लिखा है वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे खेल रहे हैं वह आपको यहाँ पर बताया गया है, लेकिन दूसरी बार उसका नाम प्रयोग नहीं करके उन नाम के स्थान पर यहाँ पर यह जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह है वे। तो यह जो वे है उसे सर्वनाम कहते हैं, ये नाम की जगह पर इसका उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साक्षी का जन्मदिन है, उसने कुछ दोस्तों को बुलाया है। तो यहाँ पर साक्षी का नाम नहीं ले करके उसके स्थान पर उसने शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह जो रंगीन अक्षर जो छपा हुआ है शब्द उसे कहते हैं सर्वनाम। मैं आपको यहाँ पर यह समझा रही हूँ, इन वाक्यों में निशा, अंबिका और अनुज के नाम की जगह वे और साक्षी की जगह उसने शब्दों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा यानी कि नाम की जगह आए वे, उसने जैसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो जो नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा शब्दों या नामों का बार बार प्रयोग करने से भाषा कुछ अटपटी सी लगती है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सरल और सुंदर लगती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो एक बार हम उसका नाम लेकर बात करते हैं, लेकिन जब हम आगे उसी के बारे में कुछ बताने जा रहे होते हैं तो बार बार हम उसके नामों का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि उससे भाषा जो होती है वह कुछ अटपटी सी लगती है। लेकिन हम नाम के स्थान पर अगर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो यह शब्दों से भाषा सरल और सुंदर लगती है। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, मेरा, तुम्हारा, उसका, इन्होंने, उसने आदि। तो यहाँ पर यह जो सारे आपको शब्द दिख रहे हैं यह सारे सर्वनाम शब्द है
जो नाम के स्थान पर हम इसका प्रयोग करते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कि संज्ञा यानी कि नाम स्थान की जगह पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर पेज नंबर 49 पर मैं आपको बताने जा रही हूँ। सर्वनाम शब्दों में भी एकवचन बहुवचन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एकवचन मैं, यह एकवचन सर्वनाम शब्द है, तो उसका बहुवचन होगा हम। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं तुम, यह भी सर्वनाम है जो एक वचन है और उसका बहुवचन होगा तुम सब या तुम लोग। यह एक वचन, ये बहुवचन, वह एक वचन, वे बहुवचन, इसे एक वचन, इन्हें बहुवचन, उसने एक वचन, उन्होंने बहुवचन। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको यह जो सारे शब्द दिख रहे हैं यह एक वचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जब एक से ज़्यादा हो यानी कि मोर देन वन, तो उसके लिए यहाँ पर यह जो बहुवचन शब्द दिए गए हैं इसका प्रयोग किया जाता है। अब उसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं एक वचन शब्द और यहाँ पर उसके सामने है उसका बहुवचन शब्द आप। यह एक वचन है तो उसका बहुवचन होता है आप सब या आप लोग। यहाँ पर है इसका तो बहुवचन है इनका, उस तो उन, उसका उनका, उसे उन्हें, इसने इन्होंने। तो यहाँ पर यह जो सारे शब्द आपको दिख रहे हैं यह सारे एक वचन है और उसके यह जो सारे शब्द है यह बहुवचन शब्द है। तो कहने का अर्थ है कि सर्वनाम शब्द जो है वह एक वचन और बहुवचन होते हैं, जो इस तरह से होते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। अभी मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ सर्वनाम के भेद। सर्वनाम शब्दों को अनेक प्रयोग के आधार पर 6 भेदों में बांटा गया है। तो सर्वनाम शब्द जो है उसके 6 भेद होते हैं। एक तो है पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा निजवाचक और छठा संबंधवाचक। तो यहाँ पर यह जो सारे 6 आपको बताए गए हैं यह सर्वनाम के भेद है। उसमें हम सबसे पहले एक पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मैंने, तुमने, उसने, आप, मेरा, तुम्हारा आदि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द है जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, यहाँ बने चित्र में मैं यानी कि बोलने के लिए, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए मैं, तुम यानी सुनने वाले के लिए तुम, और उसे यानी कि यह अन्य व्यक्ति के लिए है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बोलने वाले के लिए, तुम सुनने वाले के लिए और उसे अन्य व्यक्ति के लिए,
यह जो है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसने, उसने, इसमें आदि। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब यह होता है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं, जिनके उदाहरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि यह, वह, इसने, उसने, इसमें आदि। यह जो सारे है यह है निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। तो बच्चों मैंने आपको यह 49 पेज पर बताया है, जिसमें मैंने आपको पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताया है। आज हम यहाँ पर पेज नंबर 50 उस पर हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, जैसे कि कोई आया है, कोई यानी यह निश्चित नहीं है कि कौन। कुछ, कुछ गिरा है, कुछ यानी उसका भी निश्चित नहीं है कि क्या। तो यह जो जिसके बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं होती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार मैं बता रही हूँ, अनिश्चयवाचक मतलब कि वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं देते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको सिर्फ यहाँ 3 तक अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक बताया है। आगे मैं आपको दूसरे वीडियो में प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।